वंदे मातरम साथियों, आज एक विषय था जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, जिसमें माता पिता जो हैं वो आम के व्यापारी बन चुके हैं, फलों के व्यापारी बन चुके हैं। देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाइए तारे जमीन पर। करती है कि बच्चों को आज प्ले स्कूल में भेजने की जो एक अंधी दौड़ लगी हुई है, मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ कि जो प्ले स्कूल का जो खेल है, लेकिन आज मैं उसको एक और आगे बढ़कर मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जिस घटना के कारण मैं ये बात करना चाह रहा हूँ, वो घटना ये है कि मेरे घर में कभी कभी जो है काम करने के लिए जब एक आती है, पड़ोस में है काम करने वाली जो एक महिला है, जो काम वाली बाई होती है जिसको बोलते हैं, और उसके मुख से एक ऐसी बात निकली जिसके बाद मुझे ये लगा कि इस विषय पे मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस बात से। आप कहेंगे काम वाली बाई ने ऐसा क्या बोल दिया। काम वाली बाई जो है, कुछ दिन पहले उसके पति की मृत्यु हुई, बहुत ज़्यादा उम्र की नहीं है, लेकिन शराब पीता था पति, तो उल्टा पति के मृत्यु के बाद उल्टा से उसकी ज़िंदगी बेहतर ही हुई, लेकिन फिर भी जो है बहुत ज़्यादा कोई पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, काम करने के अलावा, मुझे तक घर का काम करने के अलावा उसे और कुछ आता भी नहीं होगा। तो कुछ दिन पहले ही किसी ने उससे बाहर, वो काम कर रही थी, तो किसी ने पूछा उससे कि भाई तुम्हारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं क्या। तो उसने एक ऐसी बात बोली, क्योंकि मुझे ऑब्वियसली पता है कि वो मेरा यूट्यूब चैनल तो कभी देखती नहीं होगी, और यूट्यूब नहीं देखती होगी, और भी जो है कुछ सोशल मीडिया, फ़ोन भी नहीं है उसके पास, तो बेसिक फ़ोन भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है उसके पास। तो उसको जो तेरा बेटा बच्चा स्कूल जाता है, तो कहते नहीं नहीं अभी 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 थोड़ा ना भेजूंगी उसकी मैं। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो बोला कि अभी वो ऐसे कान पकड़ना शुरू नहीं हुआ है, अभी वो ऐसे कान पकड़ने नहीं लगा है, ये उसने बोला। मुझे उसकी बात, मैं सुन रहा था, मैं कुछ और काम कर रहा था, मुझे उसकी बात सुनी मैंने, तो मुझे अचंभा हुआ कि ये बात तो मैंने अपनी वीडियो में बोली थी कि पहले जो है बच्चे को तब लिया जाता था, क्योंकि पहले छः वर्ष का बच्चा हुआ या नहीं हुआ ये कंफर्म करने के लिए उसका एक ही क्राइटेरिया होता था कि बच्चे को ऐसे कान पकड़वाते थे, तो जब ऐसे कान पकड़ने लग जाता है तो उसे मान लिया जाता है कि स्कूल जाने के योग्य हो गया। अब वो काम वाली बाई जो है वो इस बात को जानती है, और वो अपने बच्चे को स्कूल उसने अभी तक नहीं भेजा है। तब मुझे समझ में आया, तब उस दिन मुझे लगा कि इस विषय पर दोबारा से एक वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो मुझे ये समझ में आया कि आज एक 10 वर्ष का छात्र जो है उसको हार्ट अटैक आया, 10 वर्ष का छात्र को, क्यों, उसकी नींद पूरी नहीं होती, कच्ची नींद में उठाकर उसको स्कूल भेज दिया जाता है, तो फिर बिना नाश्ता करे स्कूल भेज दिया जाता, बगैर नाश्ता किए वो स्कूल चला जाता है, और बच्चे के जो वज़न है उससे ज़्यादा उसके पास बैग होता है, उसके बाद उसका जो होमवर्क कंप्लीट नहीं होने पे टीचर का प्रेशर है, फिर ठंडा वो जो खाना है लंच जो करता है बीच में, रिसेस होती है उसमें ठंडा खाना खाता है, फिर वापस घर आकर जो है फिर ज़बरदस्ती उसको भोजन करवाया जाता है, फिर उसके बाद उसको होमवर्क करने का प्रेशर है। तो इतने सारे प्रेशर जो बच्चा झेलता है, कैसे झेलता हो, मतलब माता पिता तो ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे मतलब 5-6 साल की उम्र में उसको कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बना देंगे। तो आप सोचो कि आप जो लोग, आपके जो माता पिता हो, आप लोगों ने खुद कब बनना, आप भी पढ़े लिखे हो ना, आप खुद, आप लोगों ने कब पढ़ना लिखना शुरू किया था, तो उस छोटे बच्चे के पीछे क्यों पड़े हुए हो, उसके बचपन को मारने में लगे हो, उसको विद्यार्थी बनाने में लगे हो, बच्चा तो बनने दो उस बेचारे को। तो आपकी आपकी आप तो उम्र हो, आप तो बड़े हो, सुबह 5 बजे उठकर 6 बजे उठकर पूरा काम करके, फिर खाना खाने के बाद काम करके दिखाओ आप, आपके अंदर हिम्मत है तो। आप सोचो इतना अन्याय, अब आप बोलोगे आम के फलों के व्यापारी कैसे, तो जैसे फल का व्यापारी क्या करता है, फल को तोड़कर कच्चा ही तोड़ लेता है, और उसको केमिकल से जल्दी पकाने के लिए कि जिससे वो बिक जाए जल्दी, वो जल्दी में रहता है, केमिकल से पकाता है उसको, जल्दी पकाता है, ठीक वही आजकल के माता पिता भी कर रहे हैं।
तो फलों का व्यापारी ना कहूँ तो उनको क्या कहूँ मैं कि वो अपने बच्चे को आयु से पहले ही जो है पकाना चाहते हैं, उसका समय उसको दे दीजिए थोड़ा। तो आप जो है, मैं इसके विषय में जो पूरा विश्लेषण है वो देना चाहता हूँ कि जब मुझे याद, मेरी बेटी जब 2.5 वर्ष 3 वर्ष की हुई, मेरे घर के ठीक सामने एक प्ले स्कूल था। वो प्ले स्कूल में तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार जो भी मिले, 2.5 साल की हुई, 3 साल की हुई, अरे इसे स्कूल में कब डाल रहे हो, अरे इसे स्कूल में कब डाल रहे हो। मैं कभी तो उसका उत्तर मैं ऑब्वियसली क्या देता था, मैं कहा नहीं डालना उसको मैंने। अरे ऐसे कैसे, दुनिया सब डालती है। मैं, दुनिया डालती है तो मैं तो नहीं डालने वाला हूँ। नहीं, आपको डालना चाहिए, आपके घर के ठीक सामने। तो वो घर के सामने जो प्ले स्कूल वाले थे, वो भी मुझ पे, मुझे इनडायरेक्टली मेरी पत्नी को, मेरी माँ को या मेरे पिता को बोलते थे कि भाई आप बच्चे को, अपने बेटे को बोलो। तो बोले नहीं, हमारा बेटा तो मना करता है। तो वो भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो जाते थे। तो मैं उनको कहा कि मैं खुद जो है 6-7 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू हुआ। तो मैंने 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 मैं जो मैं क्या सामाजिक नहीं बना क्या? तो हमारे देश में एक बहुत अच्छी आदत जो थी ना, उसको विकृत कब कर दिया गया? अच्छी आदत क्या थी कि एक दूसरे के बारे में, पड़ोसियों के बारे में जानकारी लेना, उनसे बातचीत करते रहना। आजकल जैसा हो गया है ना, अलगाववाद सा एक तरह से, कि अलग अलग सब रहते हैं, ये था अच्छी आदत थी। लेकिन इसको विकृत कब कर दिया कि अब जो है, मुझे याद है कि जब मेरे घर पे बचपन में कोई मेहमान आते थे, तो उन मेहमानों को, क्योंकि मैं कहीं जाता हूँ किसी घर में, तो बच्चे मुझसे बड़े खुश रहते हैं, क्योंकि मैं उनसे कभी भी उनके स्कूल के बारे में नहीं पूछता। उसका कारण ये था कि मैंने खुद जो है बचपन में तो डिसाइड मैंने किया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं वो गलतियां नहीं करूंगा या वो चीज़ नहीं करूंगा जो मैं जब एक बच्चा था मेरे मन को आहत करती थी। बहुत सारी चीज़ें मेरे माता पिता भी करते थे, जाने अनजाने में लोग भी करते थे, पड़ोसी भी करते थे, मेरे पिता के मित्र भी करते थे। मैंने सोचा कि अपने बच्चों के साथ वो अन्याय मैं नहीं करूंगा। वो क्या था कि जब भी कोई घर में आता था मेहमान, तो वो हमेशा यही पूछते थे, बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आपने देखा होगा कोई भी मेहमान घर में जाते हैं, उनके पास बच्चों को पूछने के लिए कुछ नहीं होता, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो। थोड़ा और अगर जान पहचान का हुआ तो बच्चे को कहेगा, चलो भाई ये सम करके दिखाओ, ये मैथ का ये सम करके दिखाओ, अच्छा इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी क्या स्पेलिंग होती है, ये सब पूछना शुरू कर देते थे। और मुझे बड़ी कोफ्त होती थी, मैं एज ए बच्चा जो है, मेरी माँ से जाके मैं पूछता था कि ये जो भी आते हैं सबको स्कूल के बारे में क्यों पूछना होता है। तो मैं कहता नहीं, वो बस इसलिए पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं। तो मैं जब भी मेरे घर में कोई मेहमान आता था तो मैं बाहर भाग जाता था, तो कि जिससे मुझसे वो पूछे ही नहीं। तो मैंने छोटा था तो मैं कह मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो मैं किसी से नहीं पूछूंगा किसी घर पे जाकर। और मैं सच यही बात आज तक भी मैं फॉलो करता हूँ, कभी किसी घर जाता हूँ तो बच्चों को ऐसी कठिन परिस्थिति में नहीं डालता कि ये सुनाओ, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसका वो क्या होता है, इसका वो क्या होता है। तो बच्चे बड़े खुश रहते हैं कि एक आप अकेले, एक आप ही ऐसे हो जो घर में आते हो और हमेशा हमारी पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते हो। तो मैंने ये निर्णय लिया था कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जो एक तरह से क्या होता है कि मुझे याद है मेरे पिता के एक मित्र थे, वो अग्रवाल समाज के थे, गुप्ता थे। उन्होंने, मुझे याद है शायद कौन सी क्लास में था मैं, उनके बच्चे जो हैं ऑब्वियसली अग्रवाल समाज के हैं तो कैलकुलेशन में अच्छे होते हैं वो, उनका DNA के हिसाब से। तो उन्होंने मुझे एक दिन, और मैं थोड़ा सा मैथ में कमज़ोर था, तो एक ही टीचर थे जिन्होंने मैथ को इतना इंटरेस्टिंग बनाया था, तो उनको मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ मन ही मन में। लेकिन तो उन्होंने मुझे ऐसा सम दे दिया जो मेरी क्लास, जिस क्लास में मैं था उससे अगली क्लास का वो सम था, उसमें वो अभी तक सिखाया ही नहीं गया था। और मैं इतना फिसड्डी था मैथ में, मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे सिलेबस में इन्हें अभी तक पढ़ाया नहीं गया। और मैंने बोला कि नहीं है तो मुझे नहीं आता है। तो उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा लड़का तो ऐसे ही बेकार है। तो ये जो शब्द थे ना, ये मन को भेदते थे, बच्चे के मन को भेदते थे। माता पिता दूसरे बच्चों के साथ जो कंपैरिजन करते हैं, हाइट का कंपैरिजन, मार्क्स का कंपैरिजन, जब रिजल्ट आता था किसी क्लास का तो पड़ोस के जो बच्चे सेम क्लास में होते थे, उनके माता पिता जो ज़िंदगी में कभी आपसे बच्चे के हालचाल नहीं पूछेंगे, उस दिन अरे कितने नंबर आए, कितने नंबर आए। जब मैं देखता हूँ कि ये अमेरिका वगैरह में एक चीज़ जो मुझे आती है, पसंद आती है, कि वहाँ पर जिस तरह से IIT का या 10वीं या 12वीं की परीक्षा के बाद जो है यहाँ पर टॉपर्स का जो लिस्ट जारी होती है बाकायदा, रैंक ये रैंक वन, अमेरिका या दूसरे देशों में एक अच्छी आदत यह है कि वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ इसका तमाशा नहीं बनाया जाता कि जो टॉप रैंकर वाला है उसको मालाएं पहना के, ढोल नगाड़े बजा के, IIT हो चाहे कुछ भी हो। मैं कहता हूँ आपके अच्छे नंबर आए ठीक है, हम क्या करते हैं अपने बच्चों को अपने से बेहतर बनाना चाहते हैं कि जैसे हम हैं, लेकिन हम करते ठीक उसका उल्टा है। तो बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए,
इसके ऊपर जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, तो उन सब जो है प्रश्नों को भी मैं इस वीडियो में लेता हूँ, जिसमें क्योंकि होता क्या है कि आजकल हो क्या गया है, जो सामाजिक व्यवस्था बन गई है, जो डिज़ाइन बन गया है, उसमें ये हुआ है कि आपको माता पिता जो हैं दोनों ही काम करने वाले हो गए हैं, उनको अपनी जीविका चलाने के लिए दोनों को ही काम करना पड़ता है, जो पहले परिस्थिति नहीं थी। तो उस परिस्थिति की वजह से बच्चे जो हैं विदेशों में, तो क्रचेज यहाँ पे भी क्रचेज बन जाएंगे धीरे धीरे, बेबी सिटर्स का बहुत प्रचलन है, और बेबी सिटर्स के द्वारा जो है उसके कारण बच्चे जो हैं वो अब माँ बाप से दूर रहकर उनके ही लालन पालन में वो बड़े होते हैं। फिर वो क्या निकल के आते हैं, वो आपने देखा होगा कि अमेरिका और यूरोप में जो बच्चे हैं आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो कैसे उनका बुरा हाल है, कैसे वो बुली करते हैं दूसरों को, बच्चों को तंग करते हैं, मार भी डालते हैं, बहुत सारे और भी कुकर्म करते हैं। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि मानसिक रूप से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चों के लिए एक फिक्स टाइम टेबल रखना, उनको अनुशासन में रखना, ये शुरुआती उम्र में उनके लिए एक जो है गहरा एक आघात सा है, जो नहीं करना चाहिए हमको। बच्चों को, बड़ों को लगता है कि जैसा उनकी दिनचर्या वैसे बच्चों की भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जल्दी स्कूल भेजकर हम उनकी स्वतंत्रता को लूट ही लेते हैं। तो फिर प्रश्न आता है कि भाई पहले जल्दी स्कूल भेजने में क्या गलती है? अब बच्चा जो है दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेगा, वहाँ पर गेम्स खेलेगा, नर्सरी राइम्स गाएगा और इंटरेक्ट करेगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरे बच्चों से घिरा रहेगा तो अच्छा ही होगा ना उसके लिए। अब घर में माँ जो है वो काम करके थक रही होती है, तो बच्चा कुछ भी पूछता है तो माँ हड़का देती है उसको, तो उससे तो बेहतर ही परिस्थिति है कम से कम बच्चे की, कि वो जाकर दूसरे बच्चे इंटरेक्ट करेगा, माँ को तंग नहीं करेगा, शरारती नहीं बनेगा। मेरा बेटा 4 साल का है तो वो शरारत खूब भयंकर शरारत करता है वो, लेकिन उसको शरारत में जो आनंद है, लेकिन लोग तंग हो जाते हैं, कभी कभी मैं भी तंग हो जाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं उसको धकेल दूँ बाहर। लोग कहते हैं अरे इसको स्कूल में क्यों नहीं डालते, तो मैंने कहा तो स्कूल में जाके इसका क्या बदल जाएगा? मतलब उनको ये लगता है कि स्कूल भेजने से मतलब वो शरारत, कोई शरारत कर रहा है, वो कोई बीमारी है उसको, इस तरह से ट्रीट करते हैं कि स्कूल में इसको सुधर जाएगा। तो मैं कहा वो बीमारी थोड़ी ना है, वो तो स्वभाव है उसका। अगर वो शांत बैठ जाएगा तो मुझे परेशानी हो जाएगी, तब मैं उसका इलाज कराऊंगा। वो चुपचाप बैठा है कोने में, कुछ कर नहीं रहा है, उस दिन वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शरारत तो करना उसके स्वभाव में है, कफ प्रवृत्ति है। तो माता पिता को सुधरने की ज़रूरत है, बच्चों को सुधरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरी बेटी जो है वो इतनी शरारती नहीं थी, लेकिन बेटा बहुत शरारती है। तो मुझे लोग जो लोग आगे कहते थे कि भाई हमारा बच्चा बहुत शरारत करता है, उसे सुधार दो, तो मैं ये कहता हूँ कि उसको सुधारने की क्या ज़रूरत है आपको, सुधरना आपको है, वो तो कफ के प्रभाव में वो रहेगा वैसा। अब देखो क्या होता है कि एक तरह से कड़वा सच भी है कि आज जो रेस प्रतिस्पर्धा का जो युग है, एक रेस युग है, उस रेस युग में जो है बच्चों को सर्वाइवल के लिए कि अरे बड़ा होके अपनी व्यवस्था चला ले, रोजी रोटी कमा ले, उसके लिए जो है उसको शुरू से ही थोड़ा ट्रेनिंग दे दी जाए, इसमें बच्चे माँ बाप लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य ठीक है बच्चों के लिए, उनका ये लक्ष्य ठीक है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो ठीक उसका उल्टा होता है। वो क्या करते हैं, उस वजह से उनको अपने साथ रखने के बजाय वो अपने से दूर धकेल देते हैं। एक प्ले स्कूल में जाकर उनको लगता है कि वो अच्छी आदतें, अनुशासन, टाइम पे ये करना, परमिशन लेना, इन सब में कोई हर्ज नहीं है कि सीख जाए वहाँ पर जाकर। लेकिन शुरू के कुछ दिनों की कठिनाइयों के बाद लगता है माता पिता को, माँ बाप को भी दूर बच्चे से भेजते हुए अच्छे, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और बच्चा भी धीरे धीरे प्ले स्कूल में जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है उसके आनंद लेने के लिए वो भी लुक फॉरवर्ड करता है कि मैं जाऊँ का तो खेलने को मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो ये लोगों का विचार है कि ऐसा होता है, और विशेषकर तब जब बच्चा जो है घर में अकेला हो, इकलौता हो, तब तो ये चीज़ और भी उसको मन करता है कि मैं जाके खेलूं। लेकिन मेरा ये मानना है, अब मैं मुख्य बात पे आता हूँ, मेरा ये मानना है कि ये बात सही नहीं कि बच्चा जल्दी स्कूल भेजने से स्मार्ट, ज़्यादा चतुर, सोशल बनता है। क्योंकि मैं तो ये बहुत सारे शोध भी बताते हैं और हमारे कई ग्रंथों में भी ये बात लिखी है बच्चों के मानस के ऊपर कि बच्चा जितने शुरुआत के वर्षों में माता पिता से जुड़ कर रहता है उसके लिए उतना ही ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि वो जो जुड़ाव है वो समाज के साथ भी उसका फिर रहता है बड़े होकर, वो जुड़ाव जो है उसके सगे संबंधियों के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, भाई बहन चाचा ताऊ जो भी, उनके साथ भी रहता है यदि शुरुआत से बच्चा जुड़ा रहता है तो। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होने से लगभग 5-6 वर्ष की उम्र तक जो उसका भावनात्मक संबंध माता पिता से जुड़ता है वो ज़िंदगी भर सुदृढ़ और ज़्यादा होता है जब वो शुरू के वर्षों में माँ बाप के साथ रहता है।
लेकिन हम क्या करते हैं कि उस जो जो 5-6 वर्ष की आयु तक जो है बच्चे का एक माता पिता परिवार का एक जुड़ाव बनता है, एक संबंध बनता है, उसमें हम भटकाव और अड़चन डाल देते हैं उसको स्कूल भेजकर। तो बच्चा ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है, क्योंकि कच्ची उम्र में ही आप उसको कई बार देखा है माता पिता जो हैं वो तंग करता है, इसीलिए कई कारण होते हैं माता पिताओं के कि बच्चे को भेजने के, स्कूल भेजने के जल्दी। एक कच्ची उम्र में आप उसके ऐसी जगह भेज देते हैं, अनजान जगह भेज देते हैं, जिस बदलाव के लिए उसका मन तैयार नहीं होता है, उसका दिमाग तैयार नहीं होता है, उसको पता नहीं है कि ये क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि घर और स्कूल में कोई समानता नहीं है। जैसा वातावरण घर में होता है स्कूल में बिल्कुल वैसा वातावरण नहीं होता है, और इस कारण से बच्चा धीरे धीरे जो है वो स्कूल को, क्योंकि स्कूल में तो टेबल पे बैठ के खाना है, घर में नीचे बैठ के खाना है। जैसे कि अब मैं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई मज़दूर माता पिता जो है दोनों काम कर रहे होते हैं, उनके बच्चे आसपास खेल रहे होते हैं, फिर माँ एक जो है टेम्परेरी चूल्हा जो ईंटों का बनाते हैं उस पर खाना भी बनाती है, सब परिवार बैठ के साथ खाता है। हालांकि वो गरीबी है, गरीबी की वजह से दुख होता है उनको देख के, लेकिन उसका जो इसमें मैं इस वीडियो से संबंध में है कि वो एक परिवार की तरह साथ रह रहा है, वो शुरुआती जो कुछ वर्ष अपने साथ माता पिता के साथ ही बिता रहा है, तो उनका संबंध जो है वो और मजबूत होता है। तो आप समझिए इसी वजह से कि कभी भी वृद्धाश्रम वगैरह में देखिए गरीब परिवारों के माता पिता नहीं आते, वहाँ पर समृद्ध और सुखी परिवारों के ही माता पिता जो हैं वो वृद्धाश्रमों में बच्चे छोड़ के जाते हैं। और ये जो असमानता है स्कूल और घर में, यही बच्चे को धीरे धीरे आगे चलकर कंफ्यूज हो जाती है, उसका असर माता पिता को उस समय नहीं पता चलेगा, लेकिन बच्चे धीरे धीरे अड़ियल बनेंगे, गुस्सैल बनेंगे और चिड़चिड़े बनेंगे। तो आजकल जो माता पिताओं की परेशानी है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं, तो वो सुनेंगे क्यों? क्योंकि स्टेटस सिंबल के चक्कर में आपने अपने बच्चे को घर से बाहर धकेल दिया है। आपको लगेगा कि अगर हमने स्कूल नहीं भेजा तो लोग कहेंगे अरे बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज रहे, लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ की चिंता ज़्यादा है। और ये वो समाज नहीं रहा है जो आपको समझदारी वाली राय देगा। पहले का समाज था कि लोग क्या कहेंगे उस बारे में सोचना ज़रूरी था, क्योंकि सब मर्यादा में थे। आजकल खुद कोई किसी मर्यादा में नहीं है, लेकिन वो आपसे उस चक्कर में कि वो क्या सोचे, क्योंकि उन सब का भी दिमाग प्रभावित है। सभी एक जैसा फेसबुक देख रहे हैं, एक जैसे यूट्यूब के वीडियो सबके पास जा रहे हैं, सबके दिमाग में एक जैसे वीडियोस घुस रहे हैं, वायरल वीडियो होते हैं, सब एक कोई वीडियो सब ने देखा होता है। तो वो जो आजकल समाज है वो एक जैसा स्टैंडर्डाइज हो गया है, उसमें विवेक तो रहा नहीं है। तो ऐसे समाज जिसमें विवेक नहीं है, उस समाज की चिंता करके अपने बच्चे के साथ गलत क्यों करना है? यही जो है ये जो 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 रसीकरण है उसमें भी है, जो 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 सुई की मैं बात करता हूँ उसमें कि लोग सब लगवा रहे हैं तो हम भी लगवा लेंगे, खुद की बुद्धि कुछ नहीं यूज़ करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है आपका बच्चा जो है आपकी सुने, उसके लिए आपको उसके साथ अपने साथ रहना ज़रूरी है। आप उसके माता पिता हैं, आपने उसको जन्म दिया है, बस वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो गलत राय, अगर आप उनको नहीं संभालेंगे तो हो सकता है कोई बाहर का कोई गलत व्यक्ति संभाल ले और उसके चक्कर में उनका दिशा भटक जाए। तो यही ध्यान रखना है कि वो गलत ना हो जाए, लेकिन उनको निर्णय लेने के लिए उनको थोड़ी आज़ादी देना, उनको उनमें वो क्षमता डेवलप करना, वो तभी हो पाएगा जब आप उनके प्रति आसक्ति जो है वो ख़त्म करें, हमारा मोह जो है वो ख़त्म होना। हम मोह करते हैं, ममता नहीं करते, ये मोह बच्चे का नुकसान करता है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये मोह ख़त्म करिए अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि आप कितनी अच्छी बात करिए, ये अति परी जब मेरी बेटी अभी गुरुकुल में पढ़ती है, गुरुकुल में जाती है गई है 9 वर्ष की आयु में, तो उसका जो हमारे साथ कनेक्शन है वो गुरुकुल जाने के बाद कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया है। तो ये जो हम अपने साथ चिपका के रखते हैं, तो अति परिचय के कारण क्या होता है कि माता पिता किस का महत्व, माता पिता खुद बताएंगे तो बच्चा नहीं समझेगा, वो गुरु बताएगा तब माता पिता का महत्व। ये जो महत्व बताने का जो है कि बेरे मैं तेरे, हम तेरे माँ बाप हैं, तेरे लिए हमने ये किया, ये बताते के चक्कर में क्या होता है, बच्चा जो है आप कितनी अच्छी बात कह लो, क्योंकि आप जो है उसको लेक्चर पिलाते रहते हो, लेकिन जो दोस्त है या बाहर का कोई व्यक्ति है वो गलत भी बात कहेगा लेकिन उसमें मज़ा है, तो वो उसको जल्दी महत्व देगा, आपकी बात को महत्व नहीं देगा। तो आपको अपने बच्चे के साथ 5-6 वर्ष की आयु तक एक वो संबंध डेवलप करना है, उसका बॉस नहीं बनना है, उसका संरक्षक के रूप में कि जिससे वो गलत दूसरों से राय ना ले ले। अगर आप उसे कुछ पूछता है, बात करना चाहता है तो बात करिए उससे,
अगर कुछ आपको नहीं पता है तो मना कर दीजिए, मुझे नहीं पता बेटा इस बारे में, क्योंकि आप सिंसेरिटी के साथ अगर उसको सामने व्यवहार करेंगे तो वो समझता है बच्चा, वो ऑब्जर्व करता है बहुत कुछ। आपको नहीं समझ में आता लेकिन वो बहुत ऑब्जर्व करता है। मैं खुद समझता कि मैं कितने अपने माता पिता की कई बातों को ऑब्जर्व करता था जब मैं 5 वर्ष 6 वर्ष का या 3 वर्ष 4 वर्ष का था। तो मुझे ये लगता है कि हम अपने बच्चों को मूर्ख समझना बंद करें। हम लोगों को लगता है कि आप खुद समझिए कि जब आप उस आयु में थे तो आपके अंदर कितनी सारी कितनी बुद्धि क्या क्या चीज़ समझ जाते थे आप, उस हिसाब से बर्ताव उनके साथ करना पड़ेगा। तो वो जो भावनात्मक रिश्ता जुड़ने दीजिए, उनको दूर मत धकेलिए। विद्यार्थी बाद में बना दीजिएगा, पहले अपना बच्चा उसे बनने दीजिए। तो बस यही मैं चाहता हूँ कि आपका बच्चा 5 से 6 वर्ष की आयु तक जो है प्ले स्कूल में, उसको कृपया करके मत भेजिए, अपने साथ रखिए, उसकी शरारतों का आनंद लीजिए। शरारत कर रहा है तो ही बच्चा है, शरारत नहीं करेगा जितने तो समझ लीजिएगा बीमार है। उनकी तुलना मत कीजिए किसी से, उसकी हाइट की तुलना। कई माता पिता बीमारी हाइट को बीमारी के रूप में मेरे पास बोलते हैं कि हमारे बच्चे की हाइट कम है। तो मैंने बोलते क्या हो गया, तो जितनी हाइट है आपके अनुसार आपके माता पिता, आप माता पिता हो, आपके परिवार के डीएनए के हिसाब से आ जाएगी उसके अंदर। आप छोड़ दीजिए, उसे बेहतर व्यक्ति बनाइए, स्वस्थ व्यक्ति बनाइए, तब वो ज़्यादा बेहतर बनेगा। उसकी हाइट लंबी करके उसके अंदर गुण नहीं भरेंगे तो क्या फ़ायदा है। तो बस मैं यही आपको कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को अपने से दूर धकेलने का जो ये जो गलत एक आदत हमने पाल ली है, इसे बंद कीजिए। वंदे मातरम।